गाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्रीलांसिंग को किस तरह से सीखा जाता है या इसमें कौन कौन से स्किल होते हैं जो आपको डेवलप करने होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने के कितने सोर्सेज होते हैं और कौन कौन से वो स्किल हैं जिसको सीखकर आप फ्रीलांसिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में कई लोग फ्रीलांसिंग करने के लिए इच्छुक हैं, वो जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, वो एक फ्रीलांसर कैसे बने, तो इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के बारे में विस्तार में जानेंगे। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी रही है, सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, प्राइवेट जॉब अगर मिल भी जाए तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी कोई एक छोटी सी गलती करके आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग अपना एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करने का एक तरीका ढूंढना चाहते हैं। बिजनेस करने में तो रिस्क हो, इसलिए बिजनेस करना सबके बस की बात तो हो ही नहीं सकती है। ऑनलाइन पैसे कमाने का ट्रेड बहुत चल रहा है, कई लोग सिर्फ ऑनलाइन कमाकर ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऑनलाइन कमाने से बहुत तरीके हैं जिसमें फ्रीलांसिंग भी है एक बहुत ही अच्छा तरीका जो कि आपके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड व्यवसाय है जहां व्यक्ति सिर्फ किसी एक स्थान से नहीं बल्कि अपनी सेवाएं अलग अलग जगह देकर अलग अलग क्लाइंट से अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि कोई एक यूट्यूबर जो अपना वीडियो बनाता है पर उसके पास समय नहीं होता है वह अपने वीडियो को एडिट कर सके, या फिर उसे अपने वीडियो की एडिटिंग आती ही ना हो तो फिर वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो वीडियो को एडिटिंग कर सके। उसकी इतनी बजट नहीं है कि वो किसी फुल टाइम वीडियो एडिटर को हायर कर सके, या फिर उसके पास उतना काम ही नहीं है कि फुल टाइम वीडियो एडिटर को हायर करने की जरूरत पड़े। दूसरी तरफ आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप दोनों किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के जरिए मिलते हैं या फिर किसी भी तरीके से संपर्क होता है, आपको उसने वीडियो एडिटिंग करने का एक प्रोजेक्ट दिया, आपने उसे तय समय में ही पूरा किया जिसके बदले आपको पेमेंट भी मिल गई। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप स्मार्टफोन से भी कुछ स्किल सीख सकते हैं जैसे कॉन्टेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। स्मार्टफोन से फ्रीलांसिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि फ्रीलांसर बनते कैसे हैं, फ्रीलांसर क्या है ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अब हम जानेंगे कि फ्रीलांसर बनते कैसे हैं। इसमें हम आपको दो ऐसे स्टेप बताएंगे जिसे आप फॉलो करके एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकते हैं। आपके पास अगर कोई स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसी कोई स्किल सीख सकते हैं जिसका मार्केट में डिमांड हो जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकें। यहाँ हम आपको फ्रीलांसिंग के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है और आप उसको सीखकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहला है ट्यूटोरिंग, दूसरा है ट्रांसलेटिंग, तीसरा है वीडियो एडिटिंग, चौथा है ग्राफिक डिजाइनिंग, पांचवा है वेब डिजाइनिंग। आप इन सभी में कोई सा भी एक स्किल सीखकर फ्रीलांसर बन सकते हैं। अब आप फ्रीलांसिंग के लिए स्किल सीख चुके हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम कहाँ से मिलेगा। आपको काम के कई तरीके मिल सकते हैं, जैसे आपको कई रिलेटिव ने कोई काम दे दिया या आप खुद किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर VR हेयरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या वे फ्रीलांसर को हायर कर रहे हैं और जिस स्किल की उसे जरूरत है क्या वो स्किल आपके पास है, अगर हाँ तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और उसी स्किल के जरिए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपने काम को निपटाने के बाद। तो गाइस ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।